नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इतना सब कुछ किया है रीमा ने, फिर भी रीमा की वजह से परेशान हो रही है सिमर। सिमर लगातार रीमा की चिंता कर रही है क्योंकि रीमा काफ़ी देर से घर नहीं लौटी है और सबको उसकी चिंता हो रही है कि कहाँ गई है। ऐसे में वो बहुत परेशान है, बहुत रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो फ़ोन करती है वो विवान को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त रीमा दीदी कहाँ है। रीमा दीदी को लेकर सब लोग बहुत टेंशन में हैं, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है और मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप कुछ मेरी मदद करोगे, आप एक बार पता करोगे कि कैसी है रीमा दीदी, प्लीज़ आप उनको देखोगे। इसके बाद विवान सिमर को तसल्ली देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख रहा हूँ, मैं पता करता हूँ। ये सारी बातें बोलकर वो फ़ोन रख देता है और इसके बाद जो सिमर है लगातार टेंशन में नज़र आती है और वो लगातार इतनी परेशान होती है कि कहीं भी जाने का उसका मन नहीं करता। और यहाँ पर जब उसे जाने के लिए कहीं ऑफर किया जाता है तो मना कर देती है। वो आरव की माँ यानी कि अपनी सास को कह देती है कि प्लीज़ आप लोग जाइए क्योंकि ये शादी का घर है और यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, तो मैं नौकरों के साथ मिलकर काम करती हूँ और आप लोग होकर आइए, आप लोग शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कर लीजिए। इस दौरान जो होता है वो ये होता है कि जो सिमर होती है वो ये सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि उसका मन लगा रहे, क्योंकि बार बार उसका जो दिमाग है वो रीमा की तरफ जा रहा है कि रीमा कैसी होगी। तो ज़रा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद सिमर के साथ इतना बेकार चीज़ें की है रीमा ने और ये सब भी जो उसने किया है वो सब कुछ सिमर को डाउन करने के लिए किया है, लेकिन बावजूद जो सिमर है वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रही है और रीमा को लेकर लगातार केयर दिखाती नज़र आ रही है। अब जब रीमा घर से गायब है और उसने ये कदम उठाया था, तो अब विवान जब उसे लेकर गया हुआ है तो इस दौरान ये सारी बातें किसी को पता नहीं है और इसे लेकर सिमर बहुत परेशान है। तो इस परेशानी में उसने किया है आरव को कॉल और इसके बाद बताई है अपनी परेशानी, जिसके बाद विवान ने दी है तसल्ली। यहाँ पर आपको बता दें, रीमा जो है वो ठीक हो चुकी है और विवान उसे घर छोड़ने के लिए प्लान कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना।